वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्सिम। ललिका लीग का मैच हो रहा है स्पिनल वर्सेस रियल सोसाइटी के बीच 1 बजे, एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। सो आगे बढ़ते हैं तो बात करें इस मैच की। तो एस्पेनियोल एंड रियल सोसाइटी में वी हैव टू फेवर रियल सोसाइटी, क्योंकि रियल सोसाइटी टीम एस्पेनियोल से स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि एस्पेनियोल ने इनको लास्ट मैच में बड़ी अच्छी टक्कर दी थी, और दूसरी बात यह कि एस्पेनियोल कोई इतनी बुरी टीम नहीं है। आज से 2 साल पहले ये टीम ललिगा 2 में खेलती थी भाई, और अब आपको पता है 2 बार से रेगुलर सीजन ललिगा के खेल रही है। तो अच्छी बात है, एस्पेनियोल अच्छा कर सकती है अगर चाहे तो अगर दम लगाएं तो। बाकी रियल सोसाइटी को हम फेवर करेंगे, तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्ट्राइकर की। देखिए भाई, पिछला एक मैच हुआ था जिसमें रियल सोसाइटी के एम ओजरबेल को एज अ प्लेइंग 11 जगह दी गई एज अ मेन प्लेयर, और माइकल ओजरबेल इस टीम का मेन पावर हाउस है। अगर देखा जाए तो अगर ये बंदा ना खेले तो शायद कोई भी रियल सोसाइटी को फेवर तक नहीं करेगा, ये बात आप लिख लो, ठीक है। इसलिए ओजरबेल को लो। उसके बाद बैकर को जगह दी गई, लेकिन बैकर और बी मैंडिस में से आप सिर्फ एक प्लेयर उठा सकते हो, इतना मैं आपको बता दूँ। द रीज़न इज़ मैं बैकर को लूँगा, बैकर के बाद मैं बी मैंडिस, जूबी मैंडी को तो मैं लेने से रहा, बिल्कुल घटिया प्लेयर भाई। उसके बाद ब्रेस मैंडिस अच्छा है, लेकिन मैंडिस को आप तब ले सकते हो अगर आपने आगे से 4 डिफेंडर पिक नहीं करने, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इस गेम में है टी क्यूबो। क्यूबो को कोई बेवकूफ़ ही होगा जो छोड़ेगा, क्लियर बता दूँ, कोई पागल ही होगा जो टी क्यूबो को ड्रॉप आउट करेगा इस मैच में। 2% सिलेक्शन है मेरे भाई, किसी ने लिया ही नहीं, इसलिए हम तो ट्राई करेंगे। और ब्रेस मैंडिस अगर लेते हो तो डिफेंडिंग सेक्शन के अंदर आप 4 डिफेंडर रियल सोसाइटी के नहीं ले सकते। क्लीन शीट चांसेस 50% से कम है, इसलिए मैं ब्रेस मैंडिस को भी अपनी टीम में ले रहा हूं। तो ये चारों प्लेयर में से मेरे 2 एज अ की प्लेयर मेरे बहुत ज़्यादा मेन है, क्यूबो एंड बैकर, ठीक है। बाकी अगर मैं स्ट्राइकिंग की बात करूँ तो मैं यहाँ पे लूँगा जे प्यूडो को, और प्यूडो के बाद द नेक्स्ट प्लेयर जो है मिडफील्डिंग में वो है पी मिला। ये दोनों प्लेयर बहुत मेन है, पी मिला एंड जे प्यूडो की आपस में जमती भी बहुत है। उसके बाद एक्सपोजिटो अभी ऐड हुआ है, तो एक्सपोजिटो अभी क्या करता है कुछ कह नहीं सकते, खेलता भी है कि नहीं ये भी नहीं कह सकते। जस्ट अभी आप इसको सेव करो, इसको पक्का मत समझो, समझ रहे हो। उसके बाद डिफेंडिंग सेक्शन की अगर बात करें, इनके प्लेयरों में तो बहुत दम दिखा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो पावर रियल सोसाइटी की डिफेंडिंग में है वो एस्पेनियोल की डिफेंडिंग में नहीं है। सो फर्स्ट माय प्लेयर वॉज जे पैचेको, उसके बाद एलुस्टोंडो भी खेला था, और ट्रॉर की जगह मैं चाहता हूँ गोमेज़ खेले। गोमेज़ ने इंटरनेशनल स्पेन का थोड़ा है ये, मैं भूल गया यार किस कंट्री से ये खेल रहा था, याद नहीं आ रहा। अभी अंडर 23 मैच ओलंपिक्स चल रहे थे, एक बड़ी मेन टीम में था ये, मेरे को ध्यान से निकल गई यार वो टीम, बट मैं इसे लूँगा क्योंकि गोमेज़ एक मिडफील्डिंग भी जानता है। और गोलकीपिंग सेक्शन की बात करें तो एफ़ पैचेको को वैसे भेजना चाहिए, लेकिन आजकल गर्शिया को रेगुलर रख रहे हैं, पता नहीं पैचेको क्यों नहीं खेल रहा, जब खेलेगा तब ज़रूर ट्राई करेंगे, अभी आप गर्शिया को लीजिए। एंड बात करें कप्तान की, माई कैप्टन वॉज ओजरबेल, वाइस कैप्टन वॉज टी क्यूबो, द ग्रेटेस्ट टीम द ग्रेटेस्ट कॉम्बिनेशन, इतना मैं क्लियर कर दूँ, डरने की बात नहीं है, भले सेम टीम के साथ जाना चाहो तो जा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।